वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी। जी हाँ, मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है गोलगप्पा, पुचका, पानी पूरी, जो भी आप इसे कहते हैं, और जिसे देखकर मैं खाए बिना नहीं रह पाती हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मोस्टली हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम घर पर गोलगप्पे बनाते हैं तो वह बाज़ार जैसे फूले फूले नहीं बनते हैं, उस तरह की करारे भी नहीं बनते हैं। तो ये वीडियो को देखने के बाद, इस रेसिपी को देखने के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी लेंगे, बारीक वाली। अगर आपके पास मोटी हो तो आप मिक्सी में पीस लीजिएगा। हमने सूजी ली है 1 कप। उसके साथ ही 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लिया है, जो कि हमने थोड़ा गरम किया है, ठंडा नहीं यूज़ करेंगे, हल्का गरम ही यूज़ करना है तेल इसमें। तो अब तेल डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी और तेल को। थोड़ा थोड़ा करके तेल ऐड करेंगे ताकि जो हमें परफेक्ट डो चाहिए वो बनकर तैयार हो। जब ये सूजी से साथ में बाइंड होना शुरू हो जाए तो समझिए कि इसमें जो तेल हमने डाला है परफेक्ट है और तेल की ज़रूरत नहीं है। तो सूजी और तेल अच्छे से बाइंड हो रहे हैं, तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी भी हम गुनगुना ही डालेंगे और धीरे धीरे करके इसमें पानी डालेंगे, एकदम से इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है। मोस्टली हम जो गोलगप्पे के लिए डो रेडी करते हैं हम टाइट रेडी कर लेते हैं, लेकिन इसका डो जो होता है टाइट नहीं होना चाहिए, इसका एक सॉफ्ट डो ही रेडी करना होता है ताकि जो गोलगप्पे हैं काफ़ी अच्छे बने। तो इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे, बहुत कम पानी की ही ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो ये डो तैयार है, 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी लगा है। तो अब हम इसे अच्छे से मलेंगे। इसका बहुत ज़रूरी स्टेप है कि हम इस सूजी के डो को बहुत अच्छे से मलें, मसलना है बहुत अच्छे से। अगर इस स्टेप को स्किप करेंगे तो गोलगप्पे सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अब हमने इसे बोल में बहुत अच्छे से मल लिया है, तो अब चकले पर निकाल कर भी हम इसे बहुत अच्छे से मलेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बस इसी तरह से आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। उठाइए पटके और इसको अच्छे से दबा दबा कर मसल दीजिए ताकि जो सूजी का ये डो है बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो। और जब हम इसकी बॉल्स रेडी करेंगे गोलगप्पे बनाने के लिए तो उसमें एक भी क्रैक ना आए। 2-3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि डो परफेक्ट तैयार हो गया है, काफी अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसकी बॉल्स रेडी करेंगे। बॉल्स इसकी छोटी छोटी ही रेडी होती है, तो आप जब ये बॉल बनाएंगे और इसमें एक भी क्रैक ना हो तो आप समझ जाइए कि डो बिल्कुल परफेक्ट है और आपको मसलने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम सारी लोइयां जो है निकाल निकाल के रखते जाएंगे और इसको सॉफ्ट कर लेंगे बाद में। सारी बॉल्स रेडी हैं, तो अब एक प्लेट पर टिश्यू लगाकर हम पहले ही तैयार कर लेंगे। तेल गरम कर लिया, तेल तेज़ गरम करना है और जब फ्राई करेंगे तो हम तेल की फ्लेम को कम करेंगे। तो करना क्या है, गोलगप्पे की लोई बॉल लेनी है, हाथ से हल्का सा प्रेस करना है और हल्का सा बेल देना है। बस इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, अगर हमें हल्का सा ज़्यादा मोटा लगे तो बेलेंगे, अदरवाइज इसको बस दबाया, ये बेल दिया और तेल में डाल दिया। बस इसी में ही गोलगप्पे बहुत अच्छे बनेंगे, ज़्यादा पतले करने से वो फूलेंगे नहीं। तो ये तेल में खुद ब खुद डाल दिया, आप देखेंगे कि गोलगप्पे फूलना शुरू हो जाएंगे और ऊपर तैर के आते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे गोलगप्पे बनाकर तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं कि गोलगप्पे कितने फूले फूले बनकर तैयार हुए हैं और ये काफ़ी क्रिस्पी भी बने हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो तो फ्राई करते टाइम आप उसको फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दीजिए, मीडियम फ्लेम कर दीजिए। तो गोलगप्पे तो बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे फूले फूले गोलगप्पे बने, एकदम करारे से जैसे बाजार के होते हैं। तो अब इसके साथ ही बना लेते हैं हम चटाकेदार मस्त सा पानी, जिसके बगैर गोलगप्पे अधूरे होते हैं। जिसके लिए मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें मुझे कुछ पुदीने के पत्ते डाले हैं जिन्हें बहुत अच्छे से धो लिया है। अगर आपके पास धनिया हो तो अब धनिया भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। इसके साथ ही 2 हरी मिर्च डाली हैं और इसे हम पीस लेंगे। तो पुदीना पीस चुका है, अब हम इस बॉल में इसे छान कर निकाल लेंगे
ताकि जो ये मोटे मोटे पत्ते अगर कोई रह गए हैं तो वो छलनी में ही रह जाए। मिक्सी में हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे जिसमें हमने पीसा था, और थोड़ा सा पानी डालकर हम उसे भी छान कर निकाल लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले इसमें डाल देंगे नमक, जो नॉर्मल नमक हम घर में खाते हैं सफ़ेद वाला, एक चम्मच मैंने डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके साथ ही एक बड़ा चम्मच डाल दिए इसमें जीरा, जो कि भुना हुआ जीरा पाउडर है। इसके साथ इसमें जाएगा काला नमक, थोड़ी सी हींग, और थोड़ा सा ही इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच। और सारे इंग्रेडिएंट्स को हम पहले जैसे मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें पानी और ऐड कर देंगे। पानी हम जो इसमें ऐड करेंगे वो ठंडा पानी यूज करेंगे, चिल्ड पानी होना चाहिए, क्योंकि गोलगप्पे का पानी ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। इसके साथ ही एक नींबू निचोड़ कर इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि ये हल्का खट्टा हो जाएगा। और इसमें हम थोड़ी सी बूंदी डाल देंगे, जो कि हम रायते में डालते हैं। और ये हमारा मज़ेदार सा पानी बनकर बिल्कुल तैयार है गोलगप्पे के लिए। इसे मिक्स करेंगे, आप इसमें नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो और भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो पानी भी तैयार है, गोलगप्पे भी तैयार है। इसके साथ ही इमली की चटनी, आलू, उबले हुए आलू, उबले हुए चने को मैश करके रखिए और इसको सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये गोलगप्पे की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।